मौसम ने एक बार फिर से अपना मिजाज बदल दिया है। भीषण गर्मी के बाद थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अचानक मंगलवार को दोपहर हुई झमझम बारिश ने लोगों को थोड़ी बहुत राहत दी। मौसम का मिजाज बदलता देख लोग काफी खुश नजर आए। दोपहर 2 बजे अचानक बारिश हुई, हालांकि मौसम विभाग की ओर से इस बारे में संभावना भी जताई गई थी। IMD द्वारा जताई गई संभावनाओं के अनुरूप राजधानी भोपाल में मौसम बदला। दोपहर 2 बजे अचानक से झमझम बारिश शुरू हुई। बारिश की वजह से मौसम खुशनुमा हो गया और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। प्रदेश में इस बार मानसून ने आने में देरी कर दी है। सामान्यतः 15 जून तक मानसून अपने दस्तक दे देता है, लेकिन इस बार अब तक मानसून नहीं आया। मानसून में हो रही देरी की वजह से गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। बता दें, IMD ने आज भोपाल सहित हरदा, नर्मदापुर, बैतूल, सागर, दमोह, पन्ना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, भोपाल, उज्जैन, शाहजहांपुर, देवास, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, रायसेन में भी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर में अचानक भोपाल में बारिश हुई और बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। वहीं सुबह 10 बजे के बाद राजधानी भोपाल में तेज धूप लोगों को सता रही थी, हालांकि दोपहर में हुई बारिश की वजह से कुछ राहत मिली। बता दें कि प्रदेश के कई शहरों में गर्मी अभी भी अपना रौद्र रूप दिखा रही और पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। सोमवार को प्रदेश का चित्रकूट सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि प्रीतिपुर में 45.7 और ग्वालियर में 43.1 को, सतना में 44.9 और शिवपुरी में 43.0 और सीधी में 42.8 और शहडोल में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें दिल्ली NCR की, तो दिल्ली NCR समेत पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिन के समय हीटवेव और तापमान में बढ़ोतरी की वजह से लोगों को परेशानी भी काफी झेलनी पड़ी। वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग ने प्रचंड गर्मी और लू को लेकर अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। IMD ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली प्रचंड गर्मी की चपेट में है, यह बुधवार तक जारी रहेगा। दिल्ली वासियों को गुरुवार और शुक्रवार को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, तो वहीं बिहार, झारखंड, UP, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत और नैनीताल जिले में कुछ इलाकों में 9 जून को तेज बारिश हो सकती है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और UP उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।